जी हाँ दोस्तों, फाइनली सीटेट 2020 का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीबीएसई ने जारी कर दी है नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ सीटेट जुलाई 2020। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 25 जून को। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका नोटिस, और आप देख सकते हैं 25 जून को ये नोटिस जारी हुआ है। चलिए इस नोटिस को एक बार देख लेते हैं। एज नोटिफाइड अर्लियर, द 14th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जुलाई 2020 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 05/7/2020, यानी कि 5 जुलाई को ये होने वाला था, इज पोस्टपोन। तो ये फाइनली आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। और इसकी अगली डेट कौन सी होगी, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। द नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड व्हेन सिचुएशन इज मोर कंड्यूसिव फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस बहुत तेजी से अपने देश में फैल रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस एग्जाम को फाइनली पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसकी डेट आपको बाद में बता दी जाएगी, नोटिस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम की डेट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, नोटिस आपको मिल जाएगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं, ऑल द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर सीटेट जुलाई 2020 आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट फॉर एनी अपडेट दे मे विजिट सीटेट वेबसाइट www.ctet.nic.in। आप इस वेबसाइट पर आपको रेगुलरली चेक करना होगा, ठीक है, सो दैट कि आप अप टू डेट रहे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है कि आपका एग्जाम जो है नेक्स्ट डेट के लिए पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की गई है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, खासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी तक सभी विद्यार्थी इस दुविधा में थे कि एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। तो फाइनली आपको इन सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिल चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।